मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को, स्त्री और पुरुष, बच्चे, हर व्यक्ति को राजनीति के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। उन्हें जानना चाहिए कि कौन सी पार्टी किस मैंडेट पर आती है, उनके उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। सभी पार्टियां विचारधारा के तहत आती है, कोई भी पार्टी बिना विचारधारा के नहीं है। जानना चाहिए कि आप किस विचारधारा के साथ हैं, और अगर वो विचारधारा है तो उसके किसी भी एक कदम का फल क्या है, उसका अगला कदम क्या होगा, ये चेस है। इसीलिए राजनीति के बारे में सबको इंटरेस्ट रखना चाहिए। अब मैं एक जिम्मेदारी सुमन केसरी जी को सौंपती हूँ, और इसके बाद फिर मैं सत्र ओपन कर दूंगी। अच्छा, केसरी जी घबरा गई, जिम्मेदारी। हाँ, अच्छा, जिम्मेदारी से पहले एक चीज और याद आ गई तो वो भी कह दूँ। ऐसा है कि यानी विवाह में स्त्री अनुगामिनी बनती है, सात फेरे होते हैं तो तीन में लड़की को आगे करते हैं या चार में करते हैं, बाद में लड़की को पीछे कर देते हैं, फिर वो अनुगामिनी ही रहती है। तो अनुगामिनी बनना पसंद नहीं आता है बहुतों को, और आजकल नौकरी के दबाव ये सब, तो बहुत सारी लड़कियां विवाह नहीं करना चाहती है। दूसरे, हमारे यहाँ का जो विवाह कल्चर है उसमें स्त्री के व्यक्तित्व का एकदम दमन दलन होता है, इसे कौन नहीं जानता, उस वजह से भी बहुत सी लड़कियां विवाह नहीं करती हैं। किंतु वो भी कहीं नहीं पहुंचती हैं, उम्र के एक पड़ाव पर पहुँच कर उनको लगता है कि मैंने शादी की होती, मेरे बच्चे होते, अपना भले ही डायरेक्ट ऐसे न कहें किंतु ऐसा लगता है। अब एक तरीका अपनाया लड़के लड़कियों ने कि लिव इन रहेंगे हम, तो लिव इन में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, चलो साथ साथ में रहेंगे। लेकिन अभी मैं एक स्वाति तिवारी की कहानी पढ़ रही थी, शीर्षक याद नहीं आ रहा है मुझे। लिव इन में है लड़की लड़का, तो लड़की जब लड़के के लिए पकौड़े बनाती है तब सोचती है कि अरे मैं पति के लिए बना रही होती, इतना ही तो फर्क आया कि आज मैं इसके लिए बना रही हूँ, और शादी करती तो अपने पति के लिए बनाती। और दूसरे पड़ोस की जब एक महिला आती है तो उसे वो बताते हुए भी बड़ा संकोच लगता है कि हम किस रिश्ते में हैं, क्योंकि लिव इन में भी रहेंगे तो कहीं ना किराया लेके, किराए का मकान लेके या कुछ लेकर के, तो यहाँ भी स्त्री सुरक्षित नहीं है। तो क्या कोई व्यवस्था ऐसी हो सकती है जहाँ स्त्री सुरक्षित हो? जैसे बेबी हल्दार ने कहा ना कि उसने वो शादी की, तीन चार शादी की बात तो आपने बताई थी। मैं कुछ पढ़ रही थी कि बंगाली 20 विवाह करते हैं और 20 को रांड बना के चल देते हैं। मैंने पढ़ा, आपको पढ़वा दूंगी, उसमें यही लिखा था कि बंगाली 20 विवाह करते हैं और 20 को रांड बना के चल देते हैं। ये वृंदावन की जो विधवाएं कही जाती हैं वो भी तो है ना, उसमें बहुत आयत है। तो इसलिए भाई ऐसे बंगाल भी हमारा है ना, टैगोर सिर्फ आपके नहीं है, टैगोर हमारे भी हैं, तो कोई वो नहीं है। तो कैसे, जिसे मैं बताती हूँ कि क्या कोई व्यवस्था ऐसी आपके दिमाग में कभी आई जो स्त्रियों के लिए, या अपने वैवाहिक दायरे में ही, मैं नहीं करती कि विस्फोट करो और वैवाहिक संस्था करो। दरअसल अभी तक जो जहाँ तक हमारा समाज पहुँचा है उसमें विवाह को एक सैक्रोसेंट, जरूरी, पवित्र वो मान लिया गया, और उसके अलावा परिवार और विवाह के अलावा अभी तक सामने आने वाली जो चीज है वो दिख नहीं रही है। क्योंकि हमारी सोच या हमारा जो पूरा का पूरा विकास जो हुआ है हमारे मनुष्यों का इतने सालों में, और जैसे हमारी भावनाएं हैं, जिस तरह से हमारा मन विकसित हुआ है, दिमाग विकसित हुआ है, उसमें हमें किसी न किसी व्यक्ति की, किसी न किसी साथ की जरूरत है। हम समाज में रहते हैं, समाज भी एक साथ है। समाज से जब छोटा यूनिट आता है तो परिवार में रहते हैं, और परिवार बनाने का एक जो तरीका है जिसको तोड़ना मुश्किल है वो विवाह संस्था है, क्योंकि संस्थात्मक रूप है, ये संस्था है। और इसी संस्था को तोड़ने के लिए लिव इन वाली बात आई है जिसका इन्होंने जिक्र किया, लेकिन लिव इन में भी लड़की पकौड़े बना के लड़का खा रहा है, जो इन्होंने कहानी बताई।
उसमें लिविन में भी तो लड़की पकौड़े बना रही है, लड़का खा रहा है. लिविन में भी एक्चुअली मैं इस विषय पर बहुत लगातार कई वर्षों से सोचती रही और मुझे लगता है कि हम लोगों की जो शारीरिक संरचना है औरतों की, जिसमें गर्भ है और अगर आप सेक्स करती हैं तो आप या तो गर्भ धारण करेंगी या आप कोई ऐसे उपाय करेंगी जिसमें कि आपका गर्भ ना ठहरे. अगर आप उपाय करती हैं तो इसका मतलब आप कोई हार्मोन खाएंगी जो आपके शरीर पर बाद में बोलेगा. दरअसल जब हमारी शारीरिक संरचना इस तरह से है, इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि हम पुरुष को बांध लेते हैं. बांधना माने एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम अपने बच्चे का या अपना नाम जोड़ें या जिसके साथ हम सुरक्षित महसूस करें. इसीलिए हम लोगों पर ये दोष लगाया जाता है कि हम बांध लेते हैं. वास्तविकता तो यह है कि पुरुष खुद भी बंधना चाहता है क्योंकि उसका भी कोई निस्तार नहीं है. वो भले ही 36 शादी करके 36 बेवाओं को बना 36 बेवाओं को अकेला छोड़ दे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वह भी तो एक परिवार के दायरे में जो गिवन सोच है हमारी, अभी तक हम लोग विवाह और परिवार की संस्था को ट्रांसेंड नहीं कर पाए और इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप भी या तो वो इट कल्मिनेट्स इनटू मैरिज या ब्रेकअप होता है तो इसी बात पर होता है कि तूने ये नहीं किया, तूने मेरा शोषण किया. ब्रेकअप भी इसी पर होता है कि तुमने मेरा एक्सप्लॉयटेशन किया. लड़की बोलेगी तुमने मेरा इमोशनल एंड फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन किया, लड़का भी कोई और बात बोलेगा. लेकिन हम लोग बहुत एक्सप्लॉयटेशन के दायरे नहीं करते. तो जब हमारे सामने लिव इन या परिवार संस्था को आज की तारीख में तोड़ने की कोई मतलब उसके उसको स्थानापन्न करने की कोई चीज नहीं है तो मैं हरदम ये बोलती हूँ और अपने बेटे को भी समझाती हूँ या किसी से भी बात करती हूँ, खुद से मैं सबसे ज्यादा बात करती हूँ. तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी स्त्री का, किसी भी लड़की का अच्छी तरह से पढ़ना और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना सबसे पहली जरूरत है. क्योंकि अगर आप पढ़ी हो तो आप सोचने का दायरा बढ़ जाता है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो आपकी सेव भी बढ़ती है और जब आपकी सेव बढ़ती है तो वो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि लगभग मतलब बराबरी के रिश्ते आ जाते हैं क्योंकि बराबरी का रिश्ता तो ये आ सकता है कि भाई कोई भी उठ के खाना बना ले, लेकिन उठती औरत ही है, सोचती औरत ही है, घर का पूरा मैनेजमेंट. Ladies are wonderful managers without even doing MBA. अब सोचिए मैं तो MBA भी हूँ और स्त्री भी हूँ. तो जो मैनेजमेंट की हम लोगों की इतनी मतलब करिश्मा है हम लोग मैनेजमेंट में क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी कुछ साग काट रहे हैं और साथ में किसी फाइल के बारे में भी सोच रहे हैं कि आज जाकर के ये नोट लगाएंगे, दिस इज हाँ यहाँ समझ में आ गई, इस फाइल में ये काम करना या क्लास में इस लेक्चर में आज ये इंट्रोड्यूस कर देंगे या बच्चे को आज पढ़ाते समय ये वाली चीज जरूर बता देंगे. ये जो चीजें जो हम लोग कर पाती हैं या जो सब चीजें कर पाती हैं, अगर हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों तो हमारी शायद हमारी अपनी शक्ति थोड़ी बढ़े. पावर जो परिवार का पावर है, जो स्त्री पुरुष के और जो हमारे संबंधों के पावर, उसमें एवरीथिंग इज ए पावर गेम. तो उस पावर में हम लोगों की शक्ति थोड़ी सी बढ़ी. और मैं बार बार इस बात को कहूंगी इतना कहने के बावजूद कि बात ही हाथी पाओ. वैसे मैं अक्सर ही हाथी पाओ पाती हूँ, हाथी कम पाती हूँ, लेकिन अगर हम अपनी बात को धैर्य पूर्वक सही समय पर कहने को सीख लें, क्योंकि हमें हम पर तो बार आकर हम तुरंत बोल देते हैं, हम औरतें उबलती और बोल देती हैं, बोल जाती हैं, लेकिन पुरुष याद रखते हैं. और यदि हम लोग उसको सहन उस समय चुप होकर के सही समय की तलाश में सही ढंग से बात कहें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम
बहुत सारी मानसिकताओं को बदलेंगे, क्योंकि जरूरत इस समय मानसिकता को बदलने की, मानस को बदलने की बहुत जरूरत है। और मैं जो भी कोई बोलता है कि आश्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम माय सन एंड माय डॉटर। मैं अगर अपने लड़के को खाना बनाना सिखा दूँ, झाड़ू लगाना सिखा दूँ, बर्तन मारना सिखा दूँ, और ये ना कहना सिखाऊँ कि ये तो मन्नू का काम है, और मन्नू को पढ़ना भी सिखाऊँ और बाहर घूमना भी सिखाऊँ, बॉयफ्रेंड बनाने की भी छूट दे दूँ उसे, तो मुझे लगता है कि सोच में बदलाव आएगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे बेटा तो गर्लफ्रेंड ले आए और मैं बेटी के लिए बोलूँ कि मैं तुम्हारे लिए सुंदर घर ढूंढ रही हूँ। नो, अगर मेरी बेटी रात के 9 बजे आ सकती है, वो मैंने सिर्फ उसको ये बात कही है कि बेटा जब तू टैक्सी ले, ओला ले, तो पूरा वो हम पर भेज दिया कर, हमारे सारे सबको व्हाट्सएप कर दिया कर, ताकि हम पता चला सके कि तू इस राज्य। बाकी ये नहीं कहूंगी कि तू फिल्म मत देखने, ये नहीं कहूंगी कि तू फिल्में मत बना, क्योंकि वो फिल्में बनाना चाहती है, अभी तक नहीं बना पाई है, लेकिन मैं चाहती बनाए। और मुझे, मैं बार बार कहूंगी कि हरदम ये मैं से शुरू होता है, जब चार एक उंगली उधर जाती है तो चार अपनी तरफ आती है, तो क्यों ना चार पहले देख लूं मैं। और मैं अपनी तरफ से मतलब कहती हूँ कि मैं अपने घर से शुरू करती हूँ, अपने आप से शुरू। शुक्रिया।